क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो जो आपने एक फ्रेज यूज करी एलिट एथलीट मेंटालिटी क्या जाना आपने अलग है लोग अगर इफ यू कैन टेक नेम्स जस्ट टू एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ यू यूर सेइंग ये मैं आई नो कि ये सही नहीं है आइडिया इज दैट

लास्ट क्रिकेट खेला होगा अपने बचपन में गली में या स्कूल में जिनका क्रिकेटर बनने का शायद सपना रहा हो या ना रहा हो लेकिन इन दैट मोमेंट राइट वो अचीवमेंट अपनी लगती है हर कोई बैट घुमाता है कोहली हर कोई यार। एंड टॉकिंग वीट माइंड लेट्स टॉक अबाउट कोहली बिकॉज दैट्स द रियलिटी दैट गाय इज अनदर लेवल यू नो इट्स लाइक अ जीनियस लॉस्ट इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन एंड लॉस्ट बिकॉज

एंड टू कंटिन्यू दैट आफ्टर फिफ्टीन ईयर मोटा नहीं <laughs> uh, uh, था विराट कभी टू थाउजेंड एट अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप जीता था मेरा अपना करियर उस टाइम स्टार्ट ही किया था एट जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर ई एस पी एन उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म होता था ऑर्कुट्रैप स्क्रैप्स <laughs> <laughs> <Scraps. laughs> तो ऑर्कुट पर हम दोस्त थे तो <laughs> <laughs> मतलब उस टाइम की बात है यार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता लड़के ने दिल्ली वाले लड़के हैं मैंने भी करियर स्टार्ट किया था सो आई रिमेंबर ही इट कम फॉर हिज इंटरव्यू टू ईएसपीएन और uh, वहां पे हमने इंटरव्यू किया था एंड वी नो अदर फ्रॉम देन बिकॉज यू वी वॉचिंग समीवी एज वेल एंड अलॉट ऑफ डोमेस्टिक गेम उस टाइम पे सो आई नो हिम फ्रॉम देन एंड आईव एक्चुअली आईव सीन द फेज इन इज लाइफ एंड इन्हों मतलब मैं इसलिए नहीं यहाँ बोल रहा कि यार देखो नहीं अपनी आप, पब्लिसिटी पुण के लिए वो बता रहे हो बट आई हैव वेरी क्लोजली सीन द फेजेज एंड इट्स द ह्यूमन साइकिल वे सडनली यू गेट इन टू दिस वर्ल्ड वे यू आर स्टारी आइड जिनके आपने पोस्टर्स लगाए आप उनके साथ खेल रहे हो एंड यू नो दैट यू बिलोंग टू दैट स्टेज कि आप भी कुछ कर सकते हो एंड कॉन्फिडेंस इस बंदे का हमेशा से इतना ही है हमेशा से यू you ना know, एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं घर पर मैचेस देखता था और लगता था कि ये मैच नहीं जीता यार मैं होता ना मैं ये करता मैं मैच जिता देता इमेजिन दिस इज अड हु सिटिंग एट होम ही डजेंट नो वेदर य प्ले फॉर इंडिया ऑर नॉट बट इज सिटिंग एंड ऑलरेडी विजुलाइजिंग की इस चीज में मैं ये कर देता एंड दैट इज समथिंग दट ही कैरीज ऑन ही इन्जॉयड हिमसेल्फ बट इन दैट इन्जॉयमेंट ऑल्सो वन थिंग दैट इज नोट वी इज ही नेवर इंजॉयड द एक्सपेंसिफ क्रिकेट मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विराट कोहली किसी प्रैक्टिस में लेट आए हो या कोई प्रैक्टिस सेशन स्किप किया हो दैट ही वॉज यंग एंड दैट ही इन्जॉयड ए गुड टाइम वो वॉज समथिंग दैट ही गुड अफोर्ड देन टू रियलाइज दैट ही इज गुड बट वाई वर्श एप मीडियोक्रेटी यू नो गुड के साथ भी टीम यू इज पार्ट ऑफ द टीम बट वो चस्का लग जाता है ना आई कैन बी बेटर गोट बनना था तब जब गुड थे आई थिंक इफ यूर प्लेइंग फॉर इंडिया दैट इन इट सेल्फ इज अग कॉम्प्लीमेंट बट इनर ड्राइव राइट एक इनर भूख शायद वो कभी कभी अलग बना देती है और सब में हो सकता है ऑलवेज दैट थिंक इज ऑलवेज थ्राइव ऑन डेट कॉम्पिटिशन ये किसी ने किया तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता मैं इससे बेटर करूंगा ही नैर सेटल मैंने भी कर दिया अब मैं और करूंगा इस बॉक्स को टिक करूंगा वो बॉक्स टिक हो गया नेक्स्ट बॉक्स क्या है डेस्टिनेशन हीनेशन मिड थर्टीज में भी हो रहा हूँ उनके साथ यार यू लुक एट हिम राइट हम इतनी फिटनेस की बात करते हैं दिसम सेंगे जो वो फॉर्मूला की गाड़ी रेस्ट कर रही होती है ना उस पर काम हो रहा होता है देर इज नो ऑफ टाइम एक क्रिकेटर के लिए ऑफ टाइम क्या है वो यू कैन से दैट यू नो आप इतनी थकान है लेकिन जो बॉडी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास पच्चीस दिन का रेस्ट है उस पच्चीस दिन के रेस्ट में इज द टाइम वो यू कैन डू टू आवर्स ऑफ वर्कआउट यू कैन डू प्रॉब्लली फाइव के जगह सात किलोमीटर की रनिंग बिकॉज आपको उसके बाद मैच नहीं खेलना आपके पास रिकवरी का टाइम है सो फॉर फॉर अ क्रिकेटर लाइक विराट कोहली हिज ऑफ पीरियड

मेरे को पता है बॉडी में मेरे को इतने ग्राम ये चाहिए वो चाहिए वही वो बनता है और वही अंदर जाता है टेस्ट के लिए खाता ही नहीं है सो यू ही कैन स्लैक इन इज ऑफ पीरियड राइट प्रॉबली हैव अ मील बट दैट्स अ मील इट्स प्रॉब्ली नॉट इन अ चीट डे बिकॉज ही नोज कि इस टाइम पे द वर्क आई एम पुटिंग इन एंड ये फर्क बनता है जब हम देखते हैं ना कि बीस ओवर पचास ओवर या टेस्ट मैच उसकी लास्ट बॉल लास्ट मोमेंट पे भी इफ ही इज फील्डिंग इन द डीप ही विल चेज द बॉल डाउन क्विकर देन एनी वन एल्स थ्रो दैट बॉल दो स्मॉल परसेंटर्स उसके लिए वो बॉडी तैयार होती है कि बॉडी जब वो मोमेंट आए उनको सोचना नहीं है द बॉडी इज रेडी एंड इट विल डिलीवर वॉट लॉट ऑफ अदर्स विल नॉट सो ये तैयार होता है ऑफ टाइम पे एंड दैट्स से ही इज नेवर स्विच्ड ऑफ एंड दैट इज दलीट माइंड सेट मेंटेलिटी कि जब तक खेलूंगा उस दिन तक दिस इज दिस इज माई लाइफ एंड आई एम गोन गिव इट ऑल वो मेरे एम बी ए प्रोफेसर भी है एम बी ए प्रोफेसर एम बी एम बी ए प्रोफेसर

Ishant and Virat keep keep sharing content with each other. He's, he's uh, very aware of what's happening. But I think, again, he's compartmentalized. He knows when he wants to be fun, when he's with the family, he likes to get lost. He likes that alone time, me time. It's hard being Virat Kohli, let's be honest. Mm. It's not easy being Virat Kohli. Or for that matter, Rohit Sharma or someone else. Elite level cricketer in India is probably a very hard thing to be. Out of love, out of love, but it's hard. क्योंकि चाहे आपने कितने भी सेंचुरीज मार लियो हमेशा हर मैच में आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो करेक्ट और फिर वो बोझ रहता है उन सेंचुरीज़ का वो रहता ही होगा यार वो रहता ही है एंड आई थिंक वो बोझ सेंचुरीज का नहीं है यू प्रॉबली जस्ट आस्किंग यूर सेल्फ द क्वेश्चन की वाट्स वॉट्स गोइंग रॉन्ग मतलब मतलब यू नो लाइक प्रॉब्ली ही ऑल्सो थ्रू अ फेज और हर क्रिकेटर जाएगा कि आपने इतने रन बना लिए हैं एक टाइम आता है जब यू कैंट पुट अ फुट रॉन्ग यू नो दो 2016 से 2019 तक वो फेज था यू नो वी ऑलमोस्ट लाइक विराट आए हंड्रेड आएगा इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन ऑटो पायलट मोड एंड देन सडनली वैन एंड आई फेल्टेट थ्रू आउट दैट पीरियड इज वेल ही डिन लुक आउट ऑफ टच राइट बट जो बॉल शायद एक बाहर वाली एच लग के बाउंड्री पे जा रही थी एंड एच सब लगते हैं यू ऑल हैव टू बी यू नो लकी वो सीधा फील्डर के पास जा रही है एंड यू नॉट कन्वर्टिंग तो उस टाइम बंदा सोचते हैं कि ये क्या हो गया यार सब कुछ ठीक चल रहा था सडनली मेरा प्रोसेस सेम है मैं मेहनत उतनी कर रहा हूँ uh, मैं सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ लेकिन रन नहीं आ रहे तो आई डोंट नो इफ डों थिंकिंग यार मैंने इतने हंड्रेड बनाया अब हंड्रेड नहीं आ रहा ये बंदा बोलता है कि हुआ क्या है बट हुआ क्या होता आई आई डोंट नो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट एक चीज हर कोई भी बड़ा एथलीट मैं भी रॉजा फेडर का भी इंटरव्यू सुन रहा था गेव इट एट द यूनिवर्सिटी वेर डॉक्टरेट राइट वेयर ही पुट डाउन दैट ही इज वन अबाउट एट्टी परसेंट मैचेज ऑफ हिस करियर बट द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज वन अराउंड फिफ्टी फोर परसेंट So he said that even I mean the greatest who's played the game has won around 54, 55% of it. You know Sachin Paji's also got 100 hundreds, but it's a career of almost 24 years. The number of innings that he's played, which is probably in hundreds, hundred hundreds, that's the life of a cricketer. You cannot. Or be 11 players and they will get you out. बट आई थिंक ग्रेट क्रिकेटर्स ऑफ वंस जो दो गलतियों के बीच में जो गैप है उसको बहुत बड़ा करते हैं गलती सब करेंगे कोई हर तीसरे मैच में करेगा जो बड़ा क्रिकेटर है वो हर पांचवें मैच में करेगा हर छठे मैच में करेगा सो बिटवीन बिटवीन टू एलिमेंट्री और मिस्टेक्स देर आर कॉस्टिंग यू डियर उनका वो गैप गलतियों का ज़्यादा लंबा हर किसी को 2022 ट्वेंटी वर्ल्ड कप की एम की इनिंग्स याद है मैं उस स्टेडियम में था, था? वो मेरी लाइफ की खुद की अचीवमेंट है <laughs> oh, <boss. laughs> मैंने वो वाली इनिंग्स देखी है uh, तो वेरी आइकॉनिक मोमेंट और उस फेज को वो इनिंग्स ने तोड़ा था एशिया कप में आया था हंड्रेड uh, पहला हंड्रेड एशिया कप में आया था बट uh, ऑबियसली वो बिल्डअप आ रहा था और एशिया कप के उस हंड्रेड के बाद आई आई मेट हिम मेट हिम दैट इवनिंग एंड वहाँ लाफिंग आई लास्ट हिम वन यू गॉट दैट हंड्रेड वॉट इज द रिएक्शन ऑल अबाउट इसलिए अगर उस मोमेंट में रिलाइज हुआ मैं इसके लिए डेस्परेट था दै मोमेंट ऑफ दैट हंड्रेड आई वाज जस्ट कि इतना जो प्रेशर था इतना चल रहा था फॉर दिस मोमेंट ये मोमेंट पहले भी जी है बट ऑब्वियसली इट टुक दैट मंकी ऑफ द बैक इट वाज कमिंग एंड लेट्स नॉट फॉरगेट गेट यार इतना अजीब फेज हमारी लाइफ में और तो कभी आया नहीं कोविड चल रहा है स्टैंड में फैंस नहीं है यू आर प्रोबली नॉट गेटिंग मे बी एज मच प्रैक्टिस क्रिकेट इज बींग प्लेड इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट एंड इट वॉज टफ आई एम नॉट कंपेयरिंग हर किसी के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी एंड आई होप दैट फेज इज़ नॉट रिपीटेड इन ह्यूमैनिटीज एग्जिस्टेंस बट बहुत अजीब था वी वर ऑल्सो इन बायो बबल्स बिफोर वी कुड ब्रॉडकास्ट वो चौदह दिन का जो क्वारंटीन था ना हमें भी करना पड़ा था बिफोर यू कट गेट इन टू द स्टूडियो यू हैव टू चेक इन टू होटल और चौदह दिन आप अपने कमरे में थे एंड होटल के कमरे में कोई स्वीट व्वीट नहीं था नॉर्मल कमरा है खाना भी बाहर रख जाएंगे नॉक करेंगे एंड यू हैव टू पिक इट अप आफ्टर थर्टी थर्टी सेकेंड्स अ समथिंग चौदह दिन यू आर जस्ट कंज्यूम्ब बाय आर थाट्स यू आर कंज्यूम्ड बाई इट सो इवन दिस क्रिकेटर्स वबल्स ट्रेवल नॉट मीटिंग रिस्ट्रिक्टेड घर पर किसी को रहा को है कोई यहाँ बीमार है कोई वहाँ बीमार है एंड देन यू गॉड इन प्ले It couldn't have been normal, so I'm not surprised if it coincided with a very tough phase because you know mentally maybe somewhere you weren't up to the scratch, but it's how he came out of that phase and that MCG knock was. Boss, I've covered cricket 15 years, but that evening you would have been in your hospitality suites or I'm on the same floor. I am the floor, one floor below. I clearly. Sunny sir was sitting and मेरा जो कॉमेंट्री था तब चार विकेट गिर गए थे मैं रवि भाई और इरफान कॉमेंट्री पे थे एंड यू हैव टू बिल्ड द गेम ऑल्सो यार दिल तो बैठ गया कि ओ गॉड दिस इज अगेन दुबई रिपीटिंग इट सेल्फ सो अलग क्या कह रहे हो हार्दिक और विराट थे सो so, मैं रवि शास्त्री पूछा रवि भाई और लास्ट दो बॉले बची थी हमारी मतलब आप कोच से अगर ऐसे थर्टी वन बाई फोर हो और आपको दो बंदे चाहिए हों जो अभी भी मैच जिता दें तो वो दो बंदे तो यही हैं <laughs> तो रवि भाई एकदम

And then I took that long walk, वो से निकल के एंड जस्ट कम आउट हारे बोलिंग कर रहा एटीन पॉइंट फोर हुआ था एंड फिर वो दो पार्ट ऑफ योर क्रिकेट फैन वो एम सी जी में है वो उसी बॉक्स में उसी दिन उसी तारीख वो वहाँ छोड़ दिया हमने <laughs> मतलब ऐसा रियलाइज नहीं होता कि ऐसे फीलिंग आ सकते वो वीडियो देखा था मैंने हमने जो डाला था सनी भाई को कूदते हुए वो छोटी सी उन्होंने रेड बीनी डाली थी इट्स द वीडियो दैट वेंट वायरल यू नो इज़ मी और मैं ही सोना था ब्लॉक करूँगा तो मैंने अपना एक फ़ोन ऑन रख दिया था मैं इरफान कृष्ण मचारी श्रीकांत और सनी सर बाहर आए थे और थोड़ा थोड़ा ठंड भी था सनी सर ने एक रेड बीनी डाली हुई थी यार वो बंदा राइट ही इज़ इन सेवेंटीज़ बट हिज हार्ट इज ऑलवेज इन इंडियन क्रिकेट ही उज़ जम्पिंग यू आर सी दैट वीडियो यू आर सेंइंग यू बिकेम अ टॉडलर यू आर सी द ग्रेट सुनील गावस्कर इन दैट इन दैट एक्सप्रेशन मतलब ही जंपिंग ऐसे की जैसे मतलब यू नो कि आपने क्या पा लिया है यार और उन्होंने कुछ कम नहीं पाया दैट वाज दैट वाज द ग्रेटेस्ट टी ट्वेंटी गेम सीन एंड दैट नॉक वाज सुपर ह्यूमन मुझे याद है उसी एशिया कप में जो वर्ल्ड कप के पहले हुआ था आई थिंक ऑफ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन दैट एशिया कप मेरे ख्याल से शाइन जाफरीदी बोलिंग कर रहे थे और uh, विराट कोहली ने एक फोर मारा था इट वाज हिज फर्स्ट फोर ऑफ द डे और फिर आई कांटेक्ट हुआ दोनों के बीच एंड द कैमरा जैट कॉट दिस एंड तभी uh, विराट का थोड़ा ड्राई फेस चल रहा था एंड ही वाज बीइंग बींग्रिटिसाइज ये वो mm. कुछ लोग ने कहा था वी शुड ड्रॉप हिम फ्रॉम द इट वॉज दैट फेज एंड उनकी आंखों में दुख था आई नो दैट एज अ पॉडकास्टर दैट्स माई जॉब टू स्टडी ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेशन उस दुख देखकर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि इनसे ही हायर एडुकेशन मिली है लाइफ में यू डोंट लाइक सींग योर आइडल फील सैड और वो भी फोर मारने के बाद दैट मोमेंट ब्रोक माइंड बट आई दॉ समथिंग टेल मी दिस इज दी अपवर्ड स्पाइक एशिया कप में टोन एशिया कप में, में आई थी आई लेट माई सिमिलर मोमेंट वेयर एंड दिस नो यू डोंट सिंपथाइज विद ग्रेट्स राइट बिकॉज यू डोंट नो वॉट इट टेक्स सिंपथी होती है जब आप बोलते हो ना कि आई कैन वी कॉन्ट अंडरस्टैंड सो वी कैन सिंपताइज विद ग्रेट्स लाइक दैट एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद इमोशन जो बुरा लगता है ना जो दिल टूटता है मेरे लिए हुआ था वो आई थिंक हैदराबाद का मैच था आई पी एल जब चल रहा था एंड हिट प्लेट द शॉट मार्को एनसन द आई थिंक एंड ही गॉट कॉटन स्लिप्स एंड ही वज वॉकिंग बैक एंड जिस लुक टप मैम इज इज लुक टप एंड इज ऑलमोस्ट जिस लाइक टॉकिंग की तकदीर के साथ कि भाई लड़ाई क्या है तेरी मेरे से क्या लड़ाई है कि क्या गलत किया है मैंने सब कुछ वही तो कर रहा हूँ बट वो फिर शायद यू नो दैट्स दैट्स मे बी क्रिकेट से इंग आई नो एवरी वन अ सुपर ह्यूमन बट यू आर अ ह्यूमन एंड हम सिर्फ ये याद दिला रहे हैं सबको कि हम ये खेल है और ये खेल सबसे बड़ा है सबके पास ऐसे टाइम आएंगे लेकिन शो अस वॉट यू गॉट बिकॉज वो कहते हैं ना कि कभी कभी इम्तिहान भी उन्हीं का लिया जाता है जो उसके लायक होते हैं और वो बहुत कम शायद निकल सकते हैं ऐसे और ग्रेट्स ही बन के निकले उस मोमेंट में आई फेल्ट ऑन कॉमेंट्री एंड आई थिंक इट जस्ट एस ये तकदीर से लड़ाई चल रही है अभी एंड इट जस्ट लुक लाइक यू यू डोंट सी विराट कोहली हेल्पलेस यू नेवर सीन इम हेल्पलेस राइट वो वो दुनिया वो हमारी होप है सो so उस टाइम पे आई हैड वेरी सिमिलर थिंग सिंह यार यारी क्या रहा है ये बड़ा अजीब सा सीन चल रहा है अभी अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ